हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम इंटेक्स क्वेश्चन 10.5 की इनकम्प्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करना सीख रहे हैं और आज जो हम रिएक्शन करेंगे वो रिएक्शन आपको कुछ इस तरह से दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। देखिए नंबरिंग करेंगे हम यहां से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर? अब देखिए CH2OH कौन है, इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल। अगर मैं इसको छिपाता हूं तो ये फिर है कौन, ये फिनॉल है, तो फिर इसका नेम होगा 4-हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। क्लियर? आपको रिएक्शन करानी है HCl से और इसे करना है हीट, मतलब इसको करना है आपको गर्म, और फिर बताना है कि आपको क्या प्रोडक्ट्स यहां पर ऑब्टेन होंगे। क्लियर? अब देखिए इस रिएक्शन को देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यहां से या यहां से OH रिमूव होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से निकलेगा और वहां पर Cl आएगा। अब जो वो OH वहां से निकला होगा, वहां से OH ग्रुप निकलेगा, यहां से हम H ले लेंगे जिससे H2O बन जाएगा और Cl OH के स्थान पर आ जाएगी। मगर कंफ्यूजन ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि अब हमें ये बताना है, इस बात को सीखना है, इस बात को समझना है कि OH कहां से रिमूव होगा, यहां से OH निकलेगा या यहां से निकलेगा। बताइए, यही तो हमारा कंफ्यूजन है कि हम यहां से OH निकालें ही यहां से OH निकालें। बाकी तो आपने सही बताया कि OH निकलेगा, H यहां से मिल जाएगा हमें HCl से और यहां से H2O बन जाएगी और OH के स्थान पर Cl आ जाएगा। क्लियर? ऐसी सोचा है तो फिर देखते हैं कि अब हम ये बात समझते हैं कि भाई कहां से निकलेगा OH ग्रुप आपका। चलो चलिए देखते हैं फिर इसको। देखिए यहां पर जो ये ऑक्सीजन है, इसके पास ये कौन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जब ये रिंग की तरफ चलेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बिटवीन पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। कैसा बॉन्ड बन जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बिटवीन, जिससे कि यह बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, यहां पर आपको दे रखा CH2OH, तो इस बात को ऐसे समझिए आप, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, यह कार्बन है, इससे यहां पर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यह है आपका OH। क्लियर? और इसके पास भी ये कौन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मगर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तो रेजोनेंस में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, जबकि यहां पर क्या होगा, यहां पर कंडीशन पाई जा रही है रेजोनेंस की, यहां पर कंडीशन नहीं है, तो जिससे कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो होंगे वो वीक होंगे और जबकि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो होंगे वो स्टेबल होंगे, मजबूत होंगे, स्थायी होंगे, इसलिए यहां से OH आसानी से रिमूव होगा। अब ये कौन होगा यहां से लीविंग ग्रुप, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को हम न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट भी बोल सकते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और Cl कौन है, वो भी कौन है, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल यहां से निकल जाएगा, तो फिर ये रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताइए बात समझ में आ गई? तो यहां से OH नहीं निकालोगे आप, यहां से रिमूव नहीं करोगे, यहां से OH क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। बताइए समझ में आई, करें फिर इसे कंप्लीट। तो फिर देखिए चलिए यहां लिख देते नीचे, देखो ये कंपाउंड है आपका, इससे पहले रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड भी हम सेपरेट वीडियो करा चुके हैं, सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाई है उन दोनों पर भी, वो भी आप देख सकते हो, उसकी जो प्लेलिस्ट है या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आई बटन में मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में चला जाना आप, वहां पर आप देख सकते हो। क्लियर? अब देखो यहां पर HCl दे रखा है आपको, हीट करना है, यहां से H2O निकलेगा, ये तो आपने बता ही था हमें। अब यहां पर कौन आ जाएगा, Cl, ये तो हमने सोच ही था कि यहां से
H2O तो निकलेगा ही 101%। प्रॉब्लम कहां रही थी कि भाई ये पता नहीं चल रहा था कि कहां से OH निकलेगा, और अब मैं समझता हूं कि आपको ये भी पता चल गया होगा, अरे यहां पर Cl आएगा, मैंने OH लिख दिया, यहां पर Cl आएगा, क्लियर। तो आपको अब यही पता चल गया कि भाई OH कहां से रिमूव होगा। अब इसका नेम देख लेते हैं, नंबरिंग कर लो 1, 2, 3, 4, 5 and 6। CH2Cl को आप क्या कहोगे, क्लोरोमिथाइल, और ये है कौन, फिनोल। तो फिर क्या नेम होगा इसका, 4-क्लोरोमिथाइल फिनोल, 4-क्लोरोमिथाइल फिनोल। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।